बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 20.4 क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट सिमेट्रिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 ग्राफिकली व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो प्लॉट द ग्राफ। अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन हमें दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो कोई एक हम इनमें से लेके उसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। जैसे बीटा इज इक्वल टू 8। अब ये अल्फा इस साइड पर आएगा तो माइनस का अल्फा हो जाएगा। इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ से हम, क्योंकि दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो किसी एक को हम अपनी तरफ से वैल्यू असाइन कर देंगे और फिर उसकी हेल्प से हम बीटा मालूम कर लेंगे। अल्फ़ा में हम वैल्यू दे देते हैं, आप बीटा में भी दे सकते हैं, अल्फ़ा में भी दे सकते हैं। हम अल्फ़ा में वैल्यू अपनी तरफ से दे रहे हैं और उस वैल्यू के हेल्प से हम बीटा मालूम कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा टू प्लॉट द ग्राफ वी हैव टेक सम पॉइंट्स। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगी। बाय असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बीटा। अल्फा की वैल्यू हम खुद से असाइन कर देंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली बीटा हमारे पास क्या आता है वो हम ले लेंगे। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन 1 के अंदर हम अल्फा की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अल्फा हम पहले ले रहे हैं 1 के इक्वल। अल्फा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 माइनस 1 पॉइंट में ले लें, आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस अल्फा। अल्फा की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, चलो यहीं पर ही पुट कर देते हैं। बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 1। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो बीटा हमारे पास आ जाएगा 7। इसी तरह से अब हम अल्फा की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे। 2 ले लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अल्फा इज इक्वल टू 3। अल्फा 3 होगा तो बीटा क्या होगा, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। आप इस तरह से वैल्यूज ले लेंगे अपनी तरफ से और बीटा हमने मालूम कर लिया। अब हम इसकी हेल्प से टेबल बना लेते हैं। अब हम टेबल बना लेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यूज हमारे पास क्या हैं। अल्फा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक अल्फा की वैल्यूज हमने ली हैं और ये हमने अपनी मर्जी से ली हैं। आप इसके अलावा, मैंने सिंपल 1 2 3 4 5 6 ली हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं माइनस में या डेसिमल में। और इनकी क्रॉस्पॉन्डिंग जो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ रही है, जब अल्फा 1 होगा तो बीटा हमारे पास होगा 7, जब अल्फा 2 है तो बीटा है 6, जब अल्फा 3 है तो बीटा है 5, जब अल्फा 4 है तो बीटा भी 4 है, अल्फा 5 है बीटा 3 है, अल्फा 6 है बीटा 2 है। अब आप देखें, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करते हैं, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास 8 के इक्वल ही आएगा जो हमें इक्वेशन दी हुई थी। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। इस टेबल की हेल्प से हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो करते हैं।
यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है उसे हम ले रहे हैं अल्फा और वाई एक्सिस को हम लेंगे बीटा। अब ये हमारे पास होगा माइनस का बीटा और यहाँ पर होगा माइनस अल्फा। जहाँ पर ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ये पॉइंट होता है हमारे पास जीरो। अब यहाँ से हम वैल्यूज ले लेंगे। हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, अल्फा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जा रही हैं वैल्यूज़, और यहाँ पर 7 तक हैं। तो हम इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये 5 बॉक्सेस जो हैं वो 1 के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 5, 3, फिर 5 काउंट करेंगे 4, 5 और ये 6 तक हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो हाईएस्ट हमारे पास वैल्यू होगी वहाँ तक हम इसको लिख लेंगे। अब इस टेबल को देखते हुए अल्फा हमारे पास है 1, तो अल्फा 1 कहाँ पर है, ये, और बीटा हमारे पास है 7, बीटा 7 कहाँ पर आ रहा है, ये अल्फा हमारे पास 1 की लाइन ये जा रही है और बीटा 7 यहाँ पर है। तो इस पॉइंट पर हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख भी लें, अल्फा बीटा, अल्फा है हमारे पास 1 और बीटा है 7। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2 और 6, अल्फा 2 है, अल्फा 2 यहाँ पर है हमारे पास और बीटा 6 है, तो बीटा की वैल्यू 6 यहाँ पर आ रही है, अल्फा 2 बीटा 6। फिर थर्ड वैल्यू है अल्फा 3 और बीटा है 5 हमारे पास ये है और ये 3, तो यहाँ पर आएगा अल्फा 3 बीटा 5। फिर है अल्फा 5 और बीटा 4 और 4 है, अल्फा भी 4 है और बीटा भी 4 है। तो ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है जिस पर अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 4 है। फिर है 5 और 3, अल्फा हमारे पास 5 है और बीटा है 3, 3 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और 5 यहाँ पर, तो ये पॉइंट आएगा 5, 3। अब 6 पर हमारे पास बीटा है 2, ये 6 और ये 2, तो इस पॉइंट पर बीटा, अल्फा है 6 और बीटा है 2। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ से फाइंड कर लिए। अब हम स्केल की हेल्प से इनको मिला देंगे। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये हमने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम वैल्यू मालूम कर लेते हैं पॉइंट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास क्या होगा, हम पुट कर देंगे अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर हैं ये इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अल्फा बीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट अल्फा है हमारे पास 1 और बीटा है 7, मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा 7। इसी तरह से अल्फा बीटा इज इक्वल टू, 2 है अल्फा और बीटा हमारे पास है 6, 2, 6, 12। अल्फा 3 है और बीटा हमारे पास है 5, 3, 5, 15। अल्फा बीटा, अल्फा 4 है और बीटा भी 4 है, 4, 4, 16। और इसी तरह से अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3
3 5 sir 15 alpha beta is equal to 2 multiply by 6 multiply by 2 6 2 sir 12 अब हम देख सकते हैं से ग्राफ जो हमने बनाया था वो अल्फा प्लस बीटा रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था एंड अल्फा बीटा रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला ये हमारा आंसर